अरे उधर से चढ़वाइए ना, उधर से उधर से उधर से लाइए, इधर से नहीं कीजिए लाउड करिए। अरे पीछे आइए ना, आगे बैठाओ आपके सर्विस पे, तू बेडरूम जाइए। सर कहा लिए और साहब के निधन से हम सभी गुरु और महात्मा नहीं जाएगा। ये तो नियति की बात है और पिछले कुछ वर्षों से अरे हमको दिखाई नहीं दे रहा था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वैसी स्थिति में हम सब लोगों के लिए निधन तो बहुत ही दुखद है, लेकिन उनके लिए एक तरह से खुशी है जो योगदान जौहर साहब का इस देश की राजनीति में रहा है और जो कुछ भी उन्होंने समाज की सेवा के लिए किया है वो सदैव याद रखा जाएगा। सिद्धांत के प्रति, समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव रही और जिस ढंग से अपनी युवावस्था से ही उन्होंने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और जिस तरह से मुंबई में उन्होंने श्रमिकों का नेतृत्व किया और वहाँ से लेकर जब वे पार्टी के काम में लगे तो उनका जो योगदान चाहे संसद में रहे और 1977 से ने जब सरकार बनी तो सरकार में थे, 89 में फिर सरकार में रहे और उसके बाद जब 1998 से में सरकार बनी उसमें शामिल रहे और जो उनकी भूमिका रही रक्षा मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में और जो भी मंत्रालय उन्होंने संभाला वो कभी बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो इन सब चीज़ों से भी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हक की लड़ाई जिस मजबूती के साथ वो लड़ते थे और जो इमरजेंसी के खिलाफ जो उनका संघर्ष था ये सब लोगों को मालूम है और हम लोगों के लिए तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक ९४ में उसी के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर किसी को जाना निश्चित है और उनका स्वास्थ्य जिस रंग से था वो तो एक तरह से उनके लिए मुक्ति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही
दुखद स्थिति है। अब हम लोगों का यही संकल्प होगा कि जो उनका मार्गदर्शन था और जो लोगों की हक की लड़ाई वो लड़े, हम इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे और उसी से प्रेरित होकर आगे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दिल्ली जा रहा है सर? हाँ, तो अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे और अंतिम संस्कार उनका जब भी हो। उनके पुत्र अमेरिका में हैं, वो कल तक लौट पाएंगे, आ पाएंगे, उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। उनकी पत्नी से भी बात हुई और उनके साथ मुंबई और सब जगह जो लोग सक्रिय रहे हैं उन सबों से भी आज बातचीत हुई है। हम सब लोग आज ही दिल्ली चले जाएंगे और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपके लिए क्षति भी है, आपके लिए मुख्यमंत्री जी ऐसा लगता है कि यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आज आप देख सकते हैं कि जीडी कार्यालय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे हुए हैं और उनकी आंखें जो हैं वो जरूर नम हो गई हैं। मुख्यमंत्री अभी हो रहे हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस काफ़ी करीबी थे और जॉर्ज फर्नांडिस को